तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था भाई लास्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ मास इन 1D, सेंटर ऑफ मास इन 1D देखा था, बिल्कुल क्लियर कर दिया था 1D। हाँ, अब 2D के सम्स देखने वाले, 1D के सम्स देखे थे, अब 2D के सम देखने। तो सेंटर ऑफ मास इन 2D और 3D, सेंटर ऑफ मास इन 2D और 3D दोनों सेम है भाई। 3D में 3 कंपोनेंट हो गए, 2D में 2 कंपोनेंट हो गए, और कोई फर्क नहीं होगा। सबको पता है कि भाई 2D में 2 कंपोनेंट हो गए और 3D में 3 का, बिल्कुल पक्का, कोई डाउट वाली बात नहीं। ये हमें NCERT एक बढ़िया सम देती है, 7.1 नंबर का एक एग्जांपल है। बढ़िया, देखो पढ़ते हैं हम लोग, आप लोग सुनते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स एट द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। द मासेस ऑफ द पार्टिकल्स आर 100, 150 एंड 200 ग्राम रिस्पेक्टिवली। Each side of the equilateral triangle is 0.5 meter long. बच्चों बढ़िया क्वेश्चन। अब ट्राइंगल है जो, वो बच्चों 2D बॉडी है, ये ओरिजिन है, और ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे मान लिया इस तरह से, ये इक्विलेटरल है, तो इसको आप यानी नाम दे सकते हो यहाँ पे A और यहाँ पे B। अब यहाँ पे आप मान लीजिए 100 ग्राम है जो M1 है, यहाँ पे मान लीजिए M2 150 ग्राम है, और यहाँ पे मान लीजिए M3, ये वाई एक्सिस M3 200 ग्राम है, और ईच साइड 0.5 मीटर की है क्योंकि ये इक्विलेटरल है। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों बताओ? बस कुछ भी नहीं करेंगे सर, हम लोग 2D और 3D का इक्वेशन लगाएंगे और आंसर लाएंगे। तो जैसे ही मैं लिखता हूँ यहाँ पे, यानी हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप RCM लिख के M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 इस तरह से फाइंड करेंगे, या तो आप फिर अपना कंपोनेंट का हिसाब लगा लीजिए। हम लोग कंपोनेंट का हिसाब लगाएंगे, XCM और YCM निकालेंगे। अब आप सोचो कि दो कंपोनेंट क्यों लिए भाई? क्योंकि ये 2D बॉडी है, इसीलिए हम दो कंपोनेंट ले रहे हैं। अगर 3D बॉडी होती, अगर 3D बॉडी होती तो हम 3 कंपोनेंट लेते, ये 2D है इसीलिए दो कंपोनेंट ले रहे हैं। क्या लिखोगे? M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, सही है। अब सबके पोजीशन वेक्टर आपको चाहिए 2D बॉडी में, तो इसका जो R1 आप लिखोगे बच्चों वो 0 0 हो जाएगा, एग्री और नॉट? बिकॉज M1 इज एट ओरिजिन, सो दैट इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0 0। ओके, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M2? R2 क्या लिखोगे बच्चा लोग? क्या लिखोगे? 0.5 मीटर कोमा 0 मीटर, यस और नो? ये जो A पॉइंट है बच्चे, ये X डायरेक्शन में 0.5 मीटर जितनी दूरी पे है, और Y डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे है, तो वाई डायरेक्शन में उसकी कोई दूरी ही नहीं है, कोई दूरी नहीं है, तो वो 0 है। हाँ के ना, समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ जो मेरे को एक लॉजिकल बात लगती, उससे आपको फायदा हो सकता है। क्या फायदा हो सकता है देखिए, जब आपको पूछा जाए एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसका मतलब क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एग्री और नॉट?
व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट और एनी पोजीशन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो बच्चों ए पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे ए पॉइंट है। इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट ए, देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस ये है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0.5 मीटर। एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, बट द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, सो द डिस्टेंस इज जीरो, सो दैट वी कैन राइट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज जीरो। बच्चा लोग क्लियर हुआ? माइंड में एकदम क्लियर कर लो बच्चों, क्लियर कर लो, फील कर लो इसको, बिल्कुल समझ लो। आपको आना ही चाहिए, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो ना एक्स पे है ना वाई पे है ना ओरिजिन पे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसको मैं आर थ्री लिखता हूं, ध्यान से समझ। इसका पोजीशन यानी अगेन इसके दो कंपोनेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दिस वन, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये हो गया, या यहां से आप लिख दीजिए, या तो आप ये लिखिए, या तो ये, तो ये इस हिसाब से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ये वाला उसका x 3 हो गया और ये वाला y 3 हो गया। एग्री और नॉट? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, यस और नो? मैसेज करो बच्चा लोग, बच्चा लोग मैसेज कर दो फटाफट, आपको फील हुआ कि नहीं? हाँ, व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट b? तो x 3 एंड y 3। व्हाट इज x 3? दिस वन इज x 3। इस पॉइंट का x एक्सिस पे परपेंडिकुलर आपने निकाला और ये जो डिस्टेंस बना इसको x 3 के, ये y 3 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना है, ये एंगल कितना होगा बताओ, ये एंगल बोलो, चलो जल्दी से, चलो जल्दी से। यस, देव का आंसर करेक्ट है बच्चों, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि भाई तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल हो गया, इक्विलेटरल हो गया तो हर एंगल 60 का बन जाए। अब ये देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल, थोड़ा सा ध्यान से फील करो, ये ट्राइंगल क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? उसमें एंगल है और एंगल की एडजेसेंट साइड है और ये एंगल की ऑपोजिट साइड है। तो एडजेसेंट साइड यानी हाइपो इंटू कॉस थीटा, ऑपोजिट साइड यानी बच्चों हाइपो इंटू साइन थीटा। तो बच्चों हाइपो है 0.5, कॉस 60, और वाई कंपोनेंट क्या होगा, वाई थ्री क्या होगा, 0.5 साइन 60। बच्चा लोग एग्री हुए कि नहीं, यस और नो? मैसेज फर्स्ट, मैसेज फर्स्ट, जल्दी से, नहीं तो पेन आ रही है। यस हाँ, नहीं समझ में आया तो ना कह सकते हो बच्चों। देखो इस तरह से भी मैं आपको बता दे, ये यहाँ पे बी पॉइंट है जो इससे 0.5 मीटर की दूरी पे है बच्चों। तो ये थीटा अगर 60 है तो ये इसका क्या हो जाएगा, 0.5 cos 60 और ये वाला 0.5 sin 60। बच्चों एग्री और नॉट? तो दिस इज द एक्स कंपोनेंट, दिस वन इज वाई कंपोनेंट, यही करना है और कुछ नहीं। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया, तो अब आप यहां पे लिख सकते हो क्या, 0.25 √3 मीटर। ये कैसे लिखा गया देखो, ये 0.5 है cos 60 1/2 यानी 0.5 का आधा। अब 0.5 को आप 0.50 भी कह सकते हो, और 0.50 का आधा बच्चों 0.25 होता है। 0.5 sin 60, sin 60 क्या होता है, √3/2। 0.5 का आधा कर दिया, 0.25 इंटू रूट थ्री रह गया। बिल्कुल समझ के आपने ये सीख लिया कि नहीं आया तो मैसेज करो, लाइव क्लास चल रहा है बच्चा लोग, मैसेज कर दो।
अगर नहीं आता है, अगर आ गया है तो यस कर दो, नहीं आया है तो नो कर दो, मैं रिपीट कर सकता हूं इसको। बट चैप्टर फोर में इतनी प्रैक्टिस करवाई है ना इसकी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की, ये वही है बच्चों। ओके तो एम वन तो भाई 100 ग्राम है, पोजीशन ऑफ एम वन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स वन इज 0 प्लस एम टू 150 है बच्चों, एम टू, एक्स टू कितना है 0.5 प्लस एम थ्री 200 है और उसका एक्स थ्री क्या है 0.25 डिवाइडेड बाय, तीनों के मास का एडिशन कितना होगा 100, 150, 250 और 200, 450। बच्चों अब इसको सॉल्व करोगे 0.5 यानी आधा, तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, 0.25 यानी चौथा पार्ट, 200 का चौथा पार्ट क्या होगा 200 का चौथा, 50/450। आप सॉल्व कर सकते हो इसको बेटा, 5 प्लस 7 और 5 12 तो 450। अभी देखो दोनों ऊपर नीचे 25 के मल्टीप्लिकल में तो है, हाँ 25 को अगर इसको हम कट करते हैं तो यहाँ पे 5 आंसर आएगा, 25 4 100 तो 25 5 125। अब ये 450 है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा हिसाब से सॉल्व करो। देखो मैं बताता हूँ, मेरा हिसाब बताता हूँ, 25 4 100 यस और नो, हाँ के ना, तो 25 8 जा कितना होगा 200 होगा, यस और नो 200 होगा, यस yes. तो 25 16 जा 400 और 25 18 जा 450, तो यहां पे बच्चों 18 आएगा, दिस इज अवर आंसर 5/18 मीटर और सेंटीमीटर ना, मीटर है बच्चों। क्या समझ में आया बच्चों, टेबल हमने कौन सा देखा, देखो इतना लंबा टेबल तो हमें मैथ्स ने भी नहीं सिखाया। 25 10 जा तक ठीक है 250, पर आप सर उससे भी आगे जा रहे हो, यस हम जा सकते। दूसरा तरीका ये होता है मैथ्स करने का इसमें, कि भाई 450 है तो 25 10 जा 250 तो 25 20 जा कितना होगा 500, 500 में से 50 यानी 2 25 निकाल दो यानी 20 में से 18 हो गए, तो आप 18 भी लिख सकते। बस यहाँ पे आ जाइए, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 यही करेंगे भाई y कंपोनेंट में, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। बच्चा m1 अगेन वही है 100, और उसका कोऑर्डिनेट देखो y कंपोनेंट क्या है उसके कोऑर्डिनेट का 0, m2 बच्चा लोग 150, y2 कोऑर्डिनेट ऑफ m2 0 प्लस 200 बच्चा लोग, और y3 कंपोनेंट 0.25 √3 बच्चों डिवाइडेड बाय वही m1 प्लस m2 प्लस m3 450, तो यहां भी 450। अब बच्चों ये तो 0 हो गया, बचा ये 200 का चौथा पार्ट यानी 50 √3/450 ये 0 कट, तो √3/9 यस और नो 9 हाँ के ना, 9 5 45 ना, यस यस यस। अब इसको आप लिख सकते हो ऐसे 1/3√3, दिस इज अवर आंसर 1/√, ये √3 है तो 9 को क्या हम लिख सकते हैं 3 × 3, ऊपर √3 है, एक √3 कट करेंगे तो यहाँ पे √3, तो आंसर क्या आएगा 3√3। बोलो समझ में आ रहा है बच्चों, दिस इज दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास इन 2D। पक्का के नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो इसको बच्चा, अरे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको आ गया मुझे भी आ गया, जो कि मुझे तो आता ही था आखे ना, यस यस यस।
चलो बढ़िया। डन 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 डन। ओके अब क्या करते हैं बच्चों, 2D और 3D में एक बढ़िया सा सम करवाता हूँ। एक बढ़िया सा सम, आपने वॉच देखी है? वॉच, वॉच, ये क्या लिखा मैंने, इसका मतलब क्या होता है? घड़ी होता है, घड़ी। अब घड़ी वाला सम करते हैं, आपने ऐसी तो घड़ी देखी ही होगी। यहाँ पे लिखा हो 12, यहाँ पे लिखा हो 3, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 9। पक्का? यस और नो? हाँ के ना, ऐसी घड़ी तो देखी होगी, सबने देखी, सबने देखी। यस, सबका मैसेज आ रहा है। यस 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 सर। ऐसी घड़ी कहाँ देखी होगी? बीच में वो नहीं होंगे, एंड नहीं होंगे कांटे। हाँ, ऐसी घड़ी देखी है, सब लोग कह रहे हैं हाँ देखी। क्या है ऐसी घड़ी, कौन खरीदता है? कौन खरीदा है? कौन इतना बुद्धू है? अभी देखिए। कौन इतना बुद्धू है? ऐसी घड़ी कौन खरीदेगा जिसमें कांटे ही ना हो? हाँ, हैंड तो होने चाहिए ना, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड, कुछ तो होना चाहिए। ठीक, चलो बढ़िया, समझ में आया। अब ये घड़ी के बारे में आपको ये बताया गया है कि इसकी जो सेकंड हैंड है उसकी लेंथ आपको दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? और इसका जो ये सेंटर है इसको ओरिजिन मान लो। ऐसा कहा है? हाँ, ऐसा कहा है। तो बच्चा लोग, आपको इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। अगर 3 बजे पे 3 ग्राम मास रख दे, 6 बजे पे 6 ग्राम, 9 बजे पे 9 ग्राम, और 12 बजे पे 12 ग्राम मास रख दे, तो फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। क्या बच्चों समझ में आया क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन। यस और नो? तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे करेंगे? आओ तो बच्चों, एक्सीएम पहले फाइंड करेंगे, एक्सीएम पहले फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करना है, तो सभी के कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे। तो मैंने ये एक्स मान लिया, माना क्या, ये दिया ही हुआ है, ये वाई है। इसको M1 बोले तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको M2 बोले तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसको M3 बोले। सुनाई दे रहा है ना? इसको M4 बोले, इसको R4। चलो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो R1 के कोऑर्डिनेट बताओ। सेकेंड हैंड का लेंथ कितना है? 10, तो 10.0 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेकेंड हैंड की लेंथ जितना हुआ, तो ये 10 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे, तो 10.0। इसका बताओ, चलो बताओ। वाई एक्सिस पे तो एक्स कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 10 सेंटीमीटर। कई बच्चे सोच रहे हैं ये क्या कर रहा है ये इंसान, कैसे कर रहा है? बच्चों, जो सेकंड हैंड की लेंथ दी गई है वो आपको क्या मान लेनी है, सेंटर टू द मास डिस्टेंस। तो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। ओके, R3 के कोऑर्डिनेट्स बताओ बच्चों। -10.0, मीत पटेल है राइट आंसर, क्योंकि 0 के इस साइड है तो -10 हुआ। तो चलो अब 6 का बताओ। यस, 0 -10 उस ऊपर वाले का ही लिखना है, पर ये ऊपर है ही नीचे, इसलिए -10। बच्चा लोग, पता चल रहा है या बाउंस बाउंस बाउंस? नहीं पता चला? ध्रुव को पता चला? ढिंचक ढिंचक।
पता चल रहा है। अच्छा बढ़िया है, चलो बढ़िया है, चलो ऑनलाइन पता तो चलता है। m1x1 + m2x2 + m3x3 + m4x4 / m1 + m2 + m3 + m4। क्या बच्चों समझ में आया? क्यों ऐसा किया? क्योंकि चार मास है, चार मास है तो चार पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो चार मास के लिए, चार मास के सिस्टम के लिए तो सेंटर ऑफ मास ऐसे लिखा जाएगा। अब m1 कितना है? तो 3 ग्राम। हम यहाँ से स्टार्ट किया है हमने 3 और उसका पोजीशन 10 प्लस m इधर आया है। अरे हाँ सही है, उल्टा चले। हाँ मेरे उल्टा मान लिया, नहीं सही माना है, मैथ्स में ऐसे ही पॉजिटिव होता है ना। चलो ठीक, कोई दिक्कत। 12 और ये 0, ये 12 ग्राम और इसका एक्स कंपोनेंट 0, ये 9 और इसका -10, तो 9 × -10 बच्चों, ये 6 और इसका 0 है, न लिखो तो भी चले। नीचे टोटल मास, टोटल मास कितना होगा बेटा? 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30 आके ना, या ऐसे करो 9 और 3 12 12 और 12 24 और 24 और 6 30 30 आना है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 30, ये -90 अपॉन 30, तो ये आपका रहेगा -60 अपॉन 30, तो इसका मतलब -2 सेंटीमीटर। क्या मैं सही हूँ बच्चों? कैलकुलेशन चेक कर लो, ओके कुछ मेरी मिस्टेक हो। यस, तो क्या बच्चों इसी तरह हम YCM भी निकाल लेंगे? क्या बच्चों इसी तरह हम YCM भी निकाल लेंगे? YCM क्या होता है बच्चों? YCM क्या होता है ये देखिए, YCM क्या होता है ये देखिए, वही जो ऊपर किया है वही होगा, सिर्फ x की जगह y होगा, सिर्फ x की जगह y होगा। यस और नो बच्चों? ऊपर जो लिखा वही होगा, सिर्फ x की जगह y होगा। व्हाट इज मास वन अगेन? 3 m1 y1, 3 × 0 0 प्लस m2 y2, 12 × 10 प्लस m3 y3, 9 × 0 प्लस m4 y4, 6 × -10 अपॉन टोटल मास। जो ऊपर हुआ वही यहां होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 30, ये 0 यहां पे 120, ये 0 यहां पे -60 अपॉन 30, तो क्या बच्चों ये आंसर +2 आएगा। हाँ के ना, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ गया? x में -2 और y में +2, तो x में -2 यानी यहां पे और y में +2 यहां पे, यहां पे, यहां पे आ गया। दिस इज द सेंटर ऑफ मास। क्यों बच्चों? क्योंकि ये 12 और 9 3 और 6 से ज्यादा है, इसलिए आ गया। हाँ के ना, समझ में आया बच्चों? यस यस यस, बिल्कुल समझ में आ गई। ये +2 और ये -2, बिल्कुल पक्का क्लियर हुआ आपको? तो ये हमने 2D में एक और क्वेश्चन देखा, एक और क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? क्लियर? बिल्कुल समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके डन ना? यस,
अब हम देखेंगे बच्चों सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड बॉडी। यानी आपको 1D में आ गया, 2D में आ गया, आप कंबाइंड बॉडी हो तो कैसे निकालना है। उससे पहले एक बात समझ लीजिए, अगर कोई यूनिफॉर्म बॉडी है जैसे कि मैंने लिखा ये, अभी हम लिखा यहां पे क्या करने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड बॉडी, यानी जब दो बॉडी इकट्ठा हो जाती हैं तो सेंटर ऑफ मास कितना होता है, या दो या दो चार या छह जितनी भी हो कंबाइन हो जाए तो कैसे निकालना है। तो उससे पहले ये बताइए, ये एक्स है, ये वाई है, ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये ओरिजिन है, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। क्या होगा? 2 0। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। गलत जवाब गलत जवाब 2 0 तो नहीं होगा ना यार। हाँ 1 0 विश्वास सही जवाब है बच्चा। यहाँ पे होगा सेंटर में, होगा सेंटर ऑफ मास। अभी यूनिफॉर्म शेप है भाई, यूनिफॉर्म शेप है ना, तो उसका सेंटर में होता है, यानी आपको यहाँ पे इसका 1 1 लिख देना है, खत्म। आया कि नहीं? बीच में कहाँ होगा? बीच में, दिमाग में ये स्टोर कर लो, कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? बीच में। अच्छा चलो मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करते हैं, ऐसे एक और क्वेश्चन। ये एक डिस्क है या रिंग है, जो भी आप मान, जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, जो सेंटर ऑफ मास RCM लिखते हो, वो क्या होगा? सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं। वाह अच्छा, आंसर आया 3 3। आप लोग बजाओ बीम। आप लोग 3 3 ही आएगा ना। चलो अब आपका टेस्ट लेते हैं, बढ़िया। यह आंसर जो देगा उसको इनाम मिलेगा, मेरे से हाथ मिलाने का मौका। कोरोना में ये सबसे बड़ा इनाम है। मेरे से हाथ मिला पाओगे आप, आपको इतनी इनाम मिलने वाला है। चलो ठीक, अब वो दो वाला जो है ना अपना 2 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर जो यहां था, अब वो ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाता है, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इस बॉडी का। ये प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, चलो बताओ, चलो बताओ। दो दो, वाह दो दो, वेरी बैड, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। दो दो आंसर दे रहे हो बच्चों, थोड़ा सा। यस सही जवाब, सही जवाब 2.1। कैसन बा, कैसन बा, ठीक बा, हाँ के ना। यहाँ पे होगा ये पक्का, इस एंड से 1 होगा, इस एंड से 1 होगा, यानी ये दूरी 1 सेंटीमीटर होगी और ये दूरी भी 1 सेंटीमीटर होगी। तो y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x से डिस्टेंस 1, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y से डिस्टेंस, तो यहां से 1 है, ये 1 है, तो 1 + 1 2। क्या बच्चों उतरा? उतरा कि नहीं?
हाँ सर, यस यस यस, अब उतरा। हाँ, यूनिफॉर्म शेप, यूनिफॉर्म शेप, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफॉर्म शेप। अगर यूनिफॉर्म शेप और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो बस आपको उसका सेंटर का पोजीशन निकालना आना चाहिए। एक बढ़िया पूछते हैं, और आओ ठाकुर आओ, क्या करोगे? वन सेंटीमीटर, टू सेंटीमीटर और इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर, बताओ इसका सेंटर। चलो एक्स कंपोनेंट क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन। 4 3 2 3 1 3 3 2 4 5, अलग अलग आंसर। मैं लिखता हूं आरसीएम, आरसीएम मैं लिखता हूं। हाँ, कितना लिखेंगे? डायग्राम तो थोड़ा सा मोटा बनाना चाहिए था, इसको 2 कर देते हैं भाई, नहीं तो फील नहीं आएगी। 2 करो, अब बताओ। अगर मैं 4 रखता ना, अगर मैंने 4 रखता ना, तो ये डायग्राम मुझे यहाँ पे टच करना पड़ता, तब जाके 4 सही लगता, नहीं तो आंसर तो दे देते पर फील नहीं आती। चल अब देखो, क्या यहाँ पे 1 लिखना चाहिए हमें? अच्छा, 2 बता रहे हो आप लोग? ये अच्छा 2 आएगा। हाँ, यानी ये वाला 2 है ना, तो 2 ही आएगा। हाँ, 2 आएगा, सही है ना? अच्छा, ये 2 है। अब बताओ y क्या है? वो भी 2 है। सही जवाब, आप जीतते हो। सही जवाब, 2 2 आया ना, कैसन 2। ये 1 और ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो बच्चों ये सेंटर यहां से 2, तो वाई 2 आ गया, ये यहां से 2। बोलो समझ में आया कि नहीं? है टाइम पास लग रहा है, पर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं। यस, अब हम क्या देखने वाले हैं? कंबाइंड बॉडी का सीओएम, कंबाइंड बॉडी का सीओएम, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड बॉडी। बच्चा लोग, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड बॉडी बच्चों, अगर कंबाइंड हो तो किस तरह से? तो देखो आपको क्या करना है, अगर ये बॉडी है ना, इसका मास अगर मैंने लिखा 2 kg, ठीक है, तो वो मास पूरा आप इस सेंटर ऑफ मास पे कंसिडर कर सकते हो और इसको हटा सकते हो। यस और नो? ये क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी। क्लियर? यानी आप उसको यूनिफॉर्म शेप होंगे तो आप उसको पूरी बॉडी की जगह सिर्फ एक पॉइंट मान के सॉल्व करने वाले हो। अभी मैं बता रहा हूं, इसमें ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। आओ देखो, ये एक सर्कल है और ये एक स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है एक्स वाई। अब इसका जो रेडी, यानी इस तरह से आपको दे दिया, चलो ये और ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर, और ये बच्चों सर्कल के यूनिफॉर्म मास है, दोनों के मास सेम है कि नहीं वो पता नहीं है, चलो अलग अलग दे दे। ओके, मास ऑफ सर्कल मान लो, मास ऑफ सर्कल 2 kg एंड मास ऑफ स्क्वायर इज 3 kg, कुछ भी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल, आर सर्कल इज इक्वल टू सेंटर
सेंटर ऑफ मास। इसको मैं देखो C1 लिखूंगा, इसको देखो मैं C2 लिखूंगा। तो C1 का मतलब क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, y कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल। C2 का मतलब क्या होगा बच्चों, C2 का मतलब क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्वायर। हाँ के ना बच्चों, फिर चाहे वो कुछ भी आए, अब आप बताओ क्या आएगा। चलो C1 इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ सेंटर ऑफ मास का। यस निसर आंसर राइट, 1 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। चलो तो अब C2 का बताओ, C2 का 1 1 मत बोलना, 2 नहीं 3 1। कैसे, यहां से डिस्टेंस 1 है, ये पूरा कितना है 2 है, तो टोटल कितना हुआ 3, और यहां से डिस्टेंस 1 है, तो x से डिस्टेंस, x एक्सिस से डिस्टेंस 1 यानी y। पक्का बच्चों, अब आपको क्या करना है, कंबाइंड सिस्टम के लिए आपको एक्सीएम कैसे निकालना है ध्यान से देखना। जैसे m1 x1 प्लस m2 x2 करते थे, वैसे यहां पे आप 2 हो गए, यानी m सर्कल x सर्कल प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन m सर्कल प्लस m स्क्वायर। बोला आया कि नहीं, वही है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, वही है बच्चों, वही है। क्या ये वही है, हाँ आया समझ में, यस और नो? यस यस। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करो, मास ऑफ सर्कल इज 2, x कोऑर्डिनेट इज 1, मास ऑफ स्क्वायर 3, x कोऑर्डिनेट इज 3, और मास का एडिशन 2 प्लस 3 5, 3 3 9 9 प्लस 2 11 बाई 5 10.5 सेंटीमीटर। वाई सी एम एम सर्कल वाई सर्कल एम स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एम सर्कल प्लस एम स्क्वायर। एम सर्कल अगेन 2 और उसका वाई 1 प्लस एम स्क्वायर 3 और उसका वाई 1 अपॉन 5 3 प्लस 2 5 बाई 5 आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर। और यहां पे क्या आएगा 2.5 सेंटीमीटर। यस और नो? हाँ के ना बच्चों, सही है। 11/5 कितना होता है, 2.5 होता है ना, सही है ना। 5 2 10 बचा 1, नहीं गलत, 2.2 होता है, 2.2 होता है भाई। अरे 11/5 5 2 10 पॉइंट, फिर यानी 1 बचा आपके पास, 1 को 10 करोगे 10/5 अगेन 2, 2.2 इज अवर करेक्ट आंसर। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स। अब आप इसमें एक बात देखोगे, YCM जो है YCM उसको आप नोट करोगे, बिल्कुल YCM देखो कितना है 1 सेंटीमीटर। इसका एक लॉजिक देता हूं आपको, ये जो बॉडी है, ये जो सिस्टम बनी कंबाइंड बॉडी, वो बॉडी को अगर आप यहाँ पे इस तरह से काटो, यानी कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, समझना बच्चों, इस बॉडी को अगर आप इस तरह से काटो, तो ऊपर जो शेप है वही नीचे है। देखो मिरर इमेज है, हाँ, जिसके अराउंड मिरर इमेज बनती हो, वहां पे उस डायरेक्शन में, उस यहां पे मिरर इमेज बन रही है अबाउट हॉरिजॉन्टल, हाँ, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर मिरर इमेज बन रही है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर आप लाइन खींचो और मिरर इमेज बन रही है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट डायरेक्टली मिल जाएगा। इसका मतलब इसकी टोटल ये विड्थ कितनी होगी बच्चों, 2 2 अपॉन 2 1।
यस और नो? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? यस और नो फटाफट मैसेज करो, फटाफट। क्या ये बात आप समझे? समझे कि नहीं? यस। यानी ये है एक मेथड, मेथड ऑफ फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिक बॉडी। इफ द बॉडी इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल, देन यू विल गेट वाई सी एम डायरेक्टली। इफ बॉडी इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस और वर्टिकल, देन यू गेट डायरेक्टली एक्स। सिंपली डिवाइड इट बाई टू, आधा कर दो, आपको मिल जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड। तो इतना फाइंड करने की आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं थी। आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल के अबाउट मिरर इमेज बन रही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट डायरेक्टली मिल जाएगा। और वर्टिकल के अबाउट बनती होती हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्टली मिल जाता। इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, वो भी करते हैं। स्क्रीनशॉट डन। 10.3 7.3। चलो, हो गया बच्चों? स्क्रीनशॉट डन हो गया। सेवन पॉइंट थ्री क्वेश्चन रीड करने से पहले हम डायग्राम बनाते, फिर रीड करते हैं। एक्स वाई ये ओरिजिन है, जीरो जीरो कोऑर्डिनेट्स है। ये ए है, 2 0 कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे बी है कोऑर्डिनेट्स 2 1 है। यहाँ पे डी है कोऑर्डिनेट्स 1 1 है। यहाँ पे ई है कोऑर्डिनेट्स 1 2 है। और यहाँ पे एफ है कोऑर्डिनेट्स 0 2 है। और ये पूरा 2 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर दिया है बच्चों। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो क्या है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना, अ थिन फ्लैट प्लेट विद डाइमेंशंस एज शोन इन द फिगर। द मास ऑफ द होल लैमिना इज 3 kg। यानी मास टोटल इस सिस्टम का 3 किलो हमें दिया है। आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। चलो ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, चलो फटाफट। तो बच्चों ये एक लेमिना है। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो ये आप देखो इसको ध्यान से। तो ये 3 पार्ट बने हुए दिख रहे हैं आपको। आप किसी को भी सी वन सी टू सी थ्री कह सकते हो। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर नंबर हम देखे तो सी वन कहाँ पे है, सी वन सी टू एंड सी थ्री इस तरह से हमें दिया हुआ है। ये सी वन है, ये सी टू है और ये सी थ्री है। 3 सेम शेप है और आपको तीनों के सेंटर ऑफ मास लिखने हैं। फिर आप इसका एक्ससीएम निकाल लो और वाईसीएम निकाल लो। तो सी वन का पोजीशन क्या होगा बच्चों, बताओ? सी वन का, सी टू का और सी थ्री का, फटाफट बताओ। मीटर में होंगे तो सी वन आप देखोगे ये टोटल 1 मीटर हुआ। यानी आप सोच लो मत, यानी देखोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये 1 मीटर है, ये टोटल 2 है, ये 1 है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 2, तो इसका मतलब ये 1 है। तो ये 1, तो ये भी 1, तो ये 1/1 का स्क्वायर हुआ। 1/1, 1/1, सभी 1/1 के हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट, क्या बच्चों समझ में आया? देखो, यानी एक आप स्क्वायर मानोगे 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बाई 1 मीटर का, तो उसका जो सेंटर होगा वो 0.5 0.5 होगा।
सेंटर में। यहाँ से इसकी हर साइड से आप कोई भी साइड यहाँ पे ओरिजिन मानो तो ये 0.5 और ये भी 0.5, ये ओरिजिन पे रखा है तो ये 0.5 हो गए, पर ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे 1 मीटर इधर आ गया, तो एक्स एक्सिस पे भी 0.5 ही होगा यहाँ पे दोनों में, पर ये एक्स एक्सिस पे 1 मीटर और इधर आ गया, तो एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर ऐड हो जाएगा, 0.5 यानी 1 मीटर यानी 1.5, ये पोजीशन यहाँ से 1.5, यहाँ से 0.5 यानी वाई कंपोनेंट 0.5। C3 एक्स पोजीशन एक्स से, सॉरी पहले एक्स कंपोनेंट यानी वाई से डिस्टेंस कितना 0.5 और वाई कंपोनेंट यानी एक्स से डिस्टेंस 1.5। पक्का ना, क्लियर हुआ? मैसेज करो बच्चा लोग। यस और नो? यस। तब आप इसका एक्सीएम कैसे निकालोगे? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, तो बच्चे लोग m1 कितना है? तो तीनों का 3 है, तो m1 एक का 1 मानेंगे ना, 3 यूनिफॉर्म है, और x1 0.5 प्लस m2 कितना 1 और m2 का x2 1.5, m3 भी 1 और उसका x3 0.5, तीनों का मास का एडिशन 1 प्लस 1 प्लस 1 3 है, 0.5 प्लस 1.5 2.5 by 3, that means what? 5 by 6, this is answer. You are 2.5 yani 5 by 2, 5 by 2 or 5 by 2 or niche 3 pehle se, to 2, 3 ja 6. Similarly, YCM bhi bachcha lo, 5 by 6 hi aayega. Meter. कैसे? देखो ये इनका जो एडिशन होना है वो ही इनका होना है, यानी 1 1 1 तो है, उसका कोई मतलब नहीं, आप सॉल्व करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। बोले समझ में आया बच्चों? हाँ, मास सेम है इसलिए। हाँ, अब देखो इसमें एक लॉजिकल बात आप डायरेक्टली और लगा सकते थे, अगर मास सेम है तो आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली राइट शॉर्टकट, मास सेम है एक्सीएम आप लिखोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, दैट मींस 5 बाय 6, 0.5 1.5 2 और 2.5 बाय 3, दैट मींस 5 बाय 6। बोलो आया क्या नहीं बच्चा? यस, मास सेम है, आप सीधा ये लिख सकते हो। तो बच्चों क्या कंबाइंड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना आज आपको आ गया? यस, स्क्रीनशॉट लो इसका, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलो एक और करवा देते हैं, एक और बढ़िया सम करवाते हैं। बढ़िया, बढ़िया का मतलब होता है अच्छा, अच्छा का मतलब होता है सुंदर, सुंदर का मतलब होता है सम। क्या है ये? है साइकिल, फिजिक्स की दो पहियों की साइकिल है। चलो ठीक, एक बढ़िया एग्जांपल ये है भाई, क्या लिखा है बताओ? ये क्या है बच्चा? टी है, ये एक्स है बच्चा, और ये है Why? तो दिस इज ओरिजिन। तो बच्चों आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है दो बहुत ही पतले पतले बिल्कुल मेरे जैसे रॉड दिए गए हैं। दो पतले पतले क्या है बच्चों? रॉड है, ये लेंथ L है और ये लेंथ 2L है, उससे ऐसा शेप बनाया गया है। तो इसके सेंटर ऑफ मास
ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, समझ में आया? अब मास दिया नहीं है, यूनिफॉर्म मास है, यूनिफॉर्म सेम, और बहुत पतले हैं, दोनों सेम हैं पर इनकी लंबाई अलग-अलग है। तो बच्चों समझना है, इस रॉड को मैं नंबर वन देता हूं और इस रॉड को मैं नंबर टू देता हूं। तो मैंने दो बॉडी मान ली, तो बताओ इसका, मुझे आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताओ। 0। कैसे? क्योंकि ये जो बॉडी शेप जो बन रहा है ये वाई के सिमेट्रिक है। देखो यहाँ पे लाइन खींचो, जितना इधर है उतना इधर होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट डायरेक्टली मिलेगा। यस और नो बच्चों? हाँ के ना? एग्री और नॉट? यस यस यस। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहाँ पे आर वन लिख रहा हूं। सबसे पहली बात देखो, एल लेंथ में आप अगर एम मास मानो तो 2L लेंथ का मास कितना होगा? ये पहले के लिए और ये दूसरे के लिए 2M होगा। ये मास की झंझट गई, मास की झंझट गई ना बेटा। ओके ओके। दूसरी बात, आप आर वन लिखिए और आर टू, यानी मैं आर वन आर टू नहीं लिखूंगा, मैं वाई वन वाई टू लिखूंगा, क्योंकि मुझे एक्स तो डायरेक्टली मिल गया, वाई वन वाई टू लिखेंगे। तो जो वन नंबर का है बॉडी उसका सेंटर बीच में ही होगा, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? 2L। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? अब उसका वाई टू बताओ, इसमें वाई टू बोलो, चलो फटाफट वाई टू बताओ। वाई टू यानी सेकेंड नंबर की जो बॉडी है, रॉड है। यस यस, वेरी गुड L। क्यों? क्योंकि इसका 12 वाले का सेंटर ये C2 होगा, यहाँ पे C1 हो गया, तो C2 कितनी दूरी पे होगा? यूनिफॉर्म है तो बीच में। ओके, अब आप YCM क्या लिखा हो भाई? M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 इज M और उसका Y1 2 है, M2 इज 2M और उसका Y2 L अपॉन M प्लस 2M 3M। ये 2LM, ये भी 2LM, यानी 4LM अपॉन M 3। तो M गया, तो 4/3L इज अवर आंसर। तो क्या बच्चों यहाँ पे 4/3L लिखा जाए? क्या बच्चों उतरा दिमाग में कि नहीं? ऐसा कोई भी शेप हो आपको आना चाहिए, आया कि नहीं? सी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तरीका यही रहेगा। स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका, बस बढ़िया से।